सभी को प्रणाम मेरा नाम लावण्या है के जी बी वी अलीपुर मंडल चिन्ना आज मैं जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ पाठ को पढ़ने से पहले क्यों ना हम पाठ्य पुस्तक का मुख पुष्ट को देखे वह कितना रंग बिरंग और कितना सुंदर है बच्चों आज हम जो सीखने वाले हैं सीखने जा रहे हैं एक बार आपको बता देती हूँ तो देखे बच्चों ये जो पाठ का पृष्ठ है आज हम इस अक्षरों को जानेंगे उच्चारण करना सीखेंगे और लिखना भी सीखेंगे बच्चों आज की कक्षा में हम न म, र, अ, आ, और आ की मात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों अब हम आ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को सीखेंगे ब आ की मात्रा ल क बालक त आकी मात्रा ल आकी मात्रा से बना ताला म मकी मात्रा न से बना है मकान ज जी मात्रा ज बना जहाज की मात्रा द ल से बना है बादल म मात्रा, ल आ की मात्रा से बना है माला की मात्रा ज की मात्रा से बना है राजा ब की मात्रा ज की मात्रा से बना है बाजा। छ मात्रा तो, मात्रा त से बना है छाता। तो बच्चों आपने अभी तक की मात्रा से बने शब्दों को अब जान चुके हैं क्यों ना अब हम की मात्रा किस तरह से लिखा जाता है सीखेंगे की मात्रा एक लंबी लकीर खींचनी है और ऊपर शिरोखा लगाने से बन गया बच्चों, अगला अक्षर है ना। अब ना से बनने वाले शब्दों को हम सीखेंगे न अक्षर से बनने वाले शब्द न से नल न से नभ ना से नमक ना से नहर ना से नगर ना से बने शब्दों को हम जान चुके हैं अब ना किस प्रकार लिखा जाता है देखेंगे छोटा सा गोलाकार बनाकर आड़ा रेखा खींचिए और एक लंबी रेखा खींचने के बाद ऊपर शीरो रेखा लगाइए ये बन गया आपका न अक्षर बच्चों इस अक्षर को हम न कहते हैं ध्यान से सुनिए एक बार इस अक्षर को क्या कहते हैं न न बच्चों आज की कक्षा में आपने आके मात्रा और न अक्षर के बारे में आपने सीखा गृह कार्य बच्चों अब आप दो अक्षर वाले शब्द को अभ्यास करके लाइए धन्यवाद